डील देते रहते हो और अपनी ही डील पे रिवर्स गियर लगा दिया। ना विचार बदल गए थे तो बता देते ना। गरिमा जी डील तो अभी भी ऑन है, एक हाथ ले एक हाथ दे। पर रूम किराए पे लेने से पहले ना मैं आपके प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि आप मन ने लाइक ना करती, पर वो बात अलग है कि लव करने के लिए लाइक की जरूरत ना पड़ती। और घर में एंट्री दे रही हैं मुझे, मतलब बकरा तो हलाल होने वाला है। मुझे हलाल होने में कोई प्रॉब्लम ना है, मैं तो 100% तैयार हूँ। लेकिन गरिमा जी मैं ब्लाइंड नहीं खेल सकता, तो अपना सारे पत्ते खोल दो मेरे सामने। हाँ ना कोई पत्ते शत्ते ना इंस्पेक्टर साहब, सिंपल सी डील है। मैं तुम्हें कमरा दिलाऊंगी और तुम उसके बदले मुझे और सुशीला को हाथी बाजार में दुकान दिलाओगे। ना एक मिनट एक मिनट, ना मैं कैसे दुकान दिलवाऊंगा? ना कहीं आप मुझसे जोर जबरदस्ती की उम्मीद तो ना कर रही? पुलिस वाला हूँ मैं गरिमा जी, गुंडा ना हूँ। अगर जोर जबरदस्ती करनी होती ना तो गुंडे बुला लेते। देखो हमने तुमको इसलिए सिलेक्ट किया है कि तुम डील क्रैक करने में बड़े एक्सपर्ट हो। मुझे तुमसे एक डील क्रैक करानी है बस। ना आपका मेरे पे कॉन्फिडेंस देख के ना मेरा दिल भरा है भाई। गॉड वो तो बता दो कि वो दुकान कौन सी है। अगर मैंने अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से डील क्रैक करवा भी दी एंची, उस तरह का तो आप सैक्रिफाइस कर चुके। उसका क्या प्लान है गरिमा जी? पेशेंस इंस्पेक्टर साहब, पेशेंस। अब इससे ज्यादा फोन पे नहीं बता सकती। बस इतना समझ लो कि हमारी नजर एक ऐसी दुकान पे है जिसके बारे में पूरा हाथी बाजार सपने में भी नहीं सोच सकता। अब तुम बताओ कमरा चाहिए या शिशुपाल जी से कचोरियां तिलवा लो। गरिमा जी इफ इंस्पेक्टर अग्नि आ रहे, इफ थोड़ी सी हवा तेज होगी और थोड़ी आपके दिल की धड़कन भी। पागल हो जाऊंगी मैं। लेफ्ट राइट, ना आज के बाद किसी आदमी औरत या छोरा छोरी ने इस इलाके में कोई भी अच्छी हरकत की ना तो उनकी भी ऐसी जूत पड़ेगी। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। यो ना यो हवलदार की आवाज ना सुने सुने से लग रही है। हाँ यो वही फोन वाले आसिक की आवाज है। नाना चंचल तुझे वहम हो गया है इसलिए तुझे हर जगह वही आवाज सुनाई दे रही है, नहीं तो कहाँ वो मन चला और कहाँ ये पुलिस वाले भाई साहब। हाँ भाभी सही कह रही है, ये इंस्पेक्टर साहब का जलवा, ये साथ में लेती तेरे आशिक के फोन आने बंद हो गए। इसे कहते हैं क्विक एक्शन। एक्शन तो कुछ ज्यादा ही क्विक हो रहा है। लेफ्ट राइट लेफ्ट। और धर्मपाल जी के किसी भी फैमिली मेंबर पे किसी ने कोई भी पत्ती कसी ना तो समझो उसका टाइम आ गया ना हमारे साथ चाय नाश्ता टेस्ट करने का। चलो भाई अंदर रखो। एक मिनट, कहाँ अंदर रखो? और ये किसका सामान है? ना आपका ऑफर रिफ्यूज नहीं कर पाया हमारे इंस्पेक्टर साहब, तकलीफ देखते ही पिघल जाते हैं। अग्नि साहब किरायेदार बनने के लिए मान गए इसलिए सामान भिजवा दिया है, आप तैयारी कर लो। धर्मपाल भाई साहब की चलनी बंद हो गई है, लगता है पुलिस वाले को किरायेदार रख लिया है। इनकी ढोस हम पर ना चले तब तक इनकी रोटी नहीं पचती। भाई साहब का दिमाग फिर गया लगे है। पहले तो छोरियों ने छोरा बना के पराए मर्दों के बाल कटवाए और इन पराए मर्दों को घर में ले आए। आंटी जी कमरा किराए पर लेने से पहले जब मैंने इंक्वायरी की थी तो मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता चला था धर्मपाल जी के घर का मिल्क और न्यूज़पेपर बंद करवाने वाली आप ही हो ना। एसेंशियल सर्विसेज में बाधा डालने का केस बना दूंगा मैं आप पे। और जे धर्मपाल जी ने FIR करवा दी ना तो पब्लिक हैरेसमेंट का केस लगा दूंगा। तो मैं यूं कह रहा था कि कल से दूध और पेपर शुरू हो जाएगा। ना सुनने वाला समझदार हो तो बात करना कितना इजी हो जाता है। नहीं इब आपने इतनी दरिया दिली दिखाई है तो मैं भी पीछे ना हटूंगा। इंसान ही इंसान के काम आता है, एक हाथ लो एक हाथ दो। इब कल से आपके घर में एक पुलिस वेरीफाइड मेड आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब मेड तुम्हारे को भी चाहिए? भाटिया आंटी, भाटिया आंटी हो ना आप? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा ना। पूरी गली के लिए एक डेडिकेटेड मेड रखवा देंगे ना। कम में ज्यादा समझ लेता है अग्नि, जमाने से एक कदम आगे चलता है। भाटिया साहब आपके लिए भी गिफ्ट लाया हुआ है। सच है? यो देखो समझा भाई, ना टो हो गया था ना
छुड़वा दी, बट प्लीज अगली बार नो पार्किंग का साइन देके पार्क ना करना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। लो भाटिया जी, क्यों रही आप चाबी जी? धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे तो मैं सामान के साथ ही फिट हो जाऊंगा, पर हट जाए तो सुपर हिट मामला हो जाता। धर्मपाल जी, सामान तो हट ही जाएगा, सोच रहा हूँ मिस्त्री बुला के दरवाजा भी बनवा ही लेता हूँ। दरवाजा ना, मन्ने तो ये सही लग रहा है, जिमनास्टिक सीख रखी है मन्ने, पर पड़े पड़े वैसे ही वेस्ट हो रही है बॉडी में। और धर्मपाल जी, चोरों की मेंटेलिटी भी तो समझनी है मन्ने, कि दरवाजा होते हुए भी बालकनी से रस्सी लटका के कैसे आते जाते हैं। यो रिसर्च करने के लिए हमारे घर मिला था क्या पापा? आप भी, हम दोनों बहनें घर में कैद हैं और आपने एक अजनबी को घर में रहने की इजाजत दी थी। अरे वाह पापा वाह, ना ए बाप का समाज कहाँ चला गया है? आप ना पापा बराबर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ना रूल्स बेंड करते रहते हो ना। एक मिनट, एक्सक्यूज मी प्लीज। ना धर्मपाल जी, आपकी फैमिली को ना मैं अपनी फैमिली मानता हूँ, पर जिस घर में कोई रिस्पेक्ट ना है ना मेरी, सॉरी मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाए। आप कहीं ना जा रहे इंस्पेक्टर साहब, यो मेरा घर है और मैं फैसला करूंगा कि यहाँ कौन रह सकता है कौन नहीं। तो सुनो, ये सब मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ, समझी? और एक बात ध्यान रखो, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के बराबर होता है। ना ठीक है धर्मपाल जी, अब इतना जोर कर रहे हैं आप तो रह जाता हूँ। एक काम करो, कमरा साफ करो, समझे? आइए इंस्पेक्टर साहब, चाय पी लेते हैं। हाँ। डस्ट से एलर्जी है मन्ने, सारा का सारा फेस ना टमाटर की तरह लाल हो जाता है, तो एकदम मस्त चमका के साफ कर देना है। शिशुपाल जी, समोसे बने क्या? थोड़े में ज्यादा कर दिया आपने गरिमा जी। बात के सकलौंडा बना दिया अग्नि ने, अब दूर रह के सुशीला जी को तड़पाने वाली स्कीम काम कर भी रही है या नहीं चेक तो करना पड़ेगा ना। तो कोई आने का बहाना भी नहीं बचा, छुप छुपा के आना पड़ रहा, बताओ। पर सब है कहाँ? डॉक्टर साहब यहाँ आ गए, पेशेंट ही गायब है। हाँ यार, छोटा हड्डी के हाथों के जगह बत्तख के पंजे उगाए के, जो एक मैसेज भी ना कर सकता। Yes, yes, okay. सुशीला दीदी, to whom you finding? छोटा टी आया था के?
मिस कर रही हो उसे? बता ना। अब सुशीला दीदी, आप ऐसे कैसे ढूंढ रहे थे प्रमोद ब्रो को? लगता है मिस कर रहे थे। हाँ ये चपेट दूंगी तुझे। ना हनुमान जी ने ना किसी को मिस करने वाला और प्यार करने वाला इंस्ट्रूमेंट ना फिट ही नहीं किया मेरे अंदर। अच्छा, ऐसे प्यार की तो बात ही नहीं की थी मैंने। दीदी आप ना मिस ना किया करो किसी को। अरे अब मुझे पता है यू एंड सुशीला जी बोथ नीड टू फोकस ऑन जॉब। और मुझे पता चला कि अल्फा ने घर में एंट्री मार ली है। ऑल द बेस्ट। और अगर मेरी जरूरत हो ना तो आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। थैंक यू। चलता हूं। जो भी करना है जल्दी करना है। आज रात को अल्फा से बात करके बीटा से दुकान निकालने का प्रोसेस शुरू करना होगा और गामा से कैंची और उस्तरा वापस लेने की कोई नई स्कीम सोचनी होगी। बर्थडे तक कुछ भी करके दुकान खोलनी है। टू मच वर्क एंड टू लेस टाइम। हनुमान जी बत्ती जलाएंगे तो नजर में आ जाएंगे गरिमा जी। पता है स्मार्ट तो तुम हो पर ये प्रूव करने में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना इतना टाइम ना है हमारे पास। तुम्हें कल मेरे प्लान का अगला स्टेप पूरा करना हो। ना मैं तो डील करने के लिए कब से रेडी बैठूं गरिमा जी। पर यूं तो बता दो दुकान कौन सी है, दुकान के मालिक का नाम पता, कुछ तो बता दो। उससे पहले गरिमा जी मैं ना यूं जानना चाहता हूं वो नाई बनने की आपको कैसे सोची? कंपल्सरी क्वेश्चन है? ऑप्शनल है। वैसे जब मन ने पता चला था ना भाई गॉड मजा आ गया था ये सोच के कि एक नारी पूरे शहर के मुंह पे थप्पड़ मारेगी। जब ही तो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है। अभी ना बताओ। ओके ये बताओ हम एक ही घर में रहते हैं तो बड़े मौके मिलेंगे। यो घर मेरा है, किरायेदार हो किरायेदार की तरह रहो। ठीक है मैडम लैंडलॉर्ड जी, पर यो तो बता दो जो उस तरह कैंची आपने गुरु दक्षिणा में आदरणीय धर्मपाल जी को सरेंडर कर दी थी उसके बिना आप दुकान कैसे चलाओगे? उसका टेंशन तुम ना लो। गरिमा जी मुझे लगता है कि जो चीज आपको पहले सोचनी चाहिए थी वो आपने सोची ना। देखो पापा मेरे दुकान मेरी प्लान मेरा, तो मैं एबीसी के ऑर्डर में सोचूं या बीएसी के ऑर्डर में या सीबीए के ऑर्डर में मर्जी मेरी। और सीएबी हैं सोचने का ऑर्डर? जो भी है मेरी मर्जी चलेगी तुम्हारी नहीं। ठीक है गरिमा जी ना अगर आप अपने पत्ते ना खोलोगे तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सॉरी। अच्छा ठीक है मत करो हेल्प। मैं क्यों ना करूंगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। गरिमा जी थोड़ी हिंट तो दे दो कि कुछ तो पता चल जाए कि मैं झज्जर जा रहा हूँ या करनाल। प्लीज देखो ये कोई खेल ना चल रहा है, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत सीरियस है। हिंट दे दो, नाम बता दो, जितना प्रॉमिस किया है ना उतना निभाओ, ना ज्यादा ना कम। ठीक है पर यूं तो बता दो कि दुकान कौन सी है? दुकान तो वो है जो पापा सपने में भी ना सोच सकते कि वो हमारी हो सकती है। वाह बेसिकली मुझे लास्ट मोमेंट तक पता ना चलेगा। ओके ठीक है तो गरिमा जी ऐसे ही गोल गोल घुमा के यो भी बता दो कि डील किससे करनी है। कौन है यो बीटा? बीटा वो आदमी है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वो हमारी हेल्प कर सकता है। वाह वेरी गुड गरिमा जी, वेरी वेरी गुड। क्या आंसर दिया? वेरी क्लियर, फुल्ली सेटिस्फाइड। हाँ भाई बीटा रेडी हो जा। है? मैं गंगा में धोने का टाइम आ गया तेरा। मौका दे रहा हूं तेरे को बेटे, अपने सारे पाप रगड़ रगड़ के धो ले तू। यो ले मुंह मीठा कर ले ना कर ले, इतने दिनों बाद खुशखबरी मिली है ना तुमने।
अरे मन्ने पता था भाई साहब ज्यादा दिन मुझे जेल में सड़ने ना देंगे, मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। तो कौन है ये तेरा भाई साहब? पहले भी भाई साहब कर रहा था। तेरे भाई साहब ना तेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, उसका दूध बन के ना आया हूं। और किसने भेजा तुम्हें? और कौन सी खुशखबरी लेकर आया तू? चल पॉइंट पे आता हूं। तेरी शॉप है ना कांटेलाल एंड सन्स के बिल्कुल सामने, अवतार ऑटो पार्ट है, उसे रेंट पे लेना चाहता है कोई। वाह भाई, जेल में बैठे बैठे तेरी इनकम भी शुरू हो जाएगी, बड़ा लक्की है तू। हो गई ना गुड न्यूज? हाँ, मेरी दुकान में अचानक इतनी दिलचस्पी किसकी हो गई है? तूने सवाल पूछा और पार्टी का फोन आ गया। हेलो जी, हेलो, बात हुई बेटा से? बस चल रही, इन द प्रोसेस। क्या कह रहा है, सौंप दे देगा? उसके जवाब देने से पहले ही आपने कॉल कर दिया। एक मिनट। हाँ भाई, क्या सोचा फिर? हाँ कर दूं? दुकान है मेरी, कोई फ्रेंच फ्राइज ना है कि किसी के साथ भी कॉम्बो बनाकर चेप दोगे। पर कौन है तुम्हारा शुभचिंतक? मेरी दुकान से चाहता क्या है यार? तो चॉकलेट खाना, बर्थडे किसका है, केक कौन काटेगा, मोमबत्ती फूंक मार के कौन बुझाएगा, इन सब चक्करों में क्यों पड़ रहा है भाई? खा। हाँ मैं जेल में हूँ, इसका मतलब यो ना है कि तू मुझ पे अपनी दादागिरी चलाएगा। वो क्या है ना, कैदियों के भी मानव अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स। तो अनपढ़ ना समझिए इंस्पेक्टर, PhD हूं मैं। ये तो PhD तक पहुंच गया। अब एक काम करो, अपना फोन रखो, मैं अपने तरीके से निपटता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम उसे बोल दो कि गरिमा सुशीला को सौंप चाहिए। मैं धीरज रख लो थोड़ा, अगर बता दिया प्लान उल्टा हो गया तो? मैं बोल रही हूँ ना, बोल दो उसे। अच्छा चलो ठीक है। सुन बे बेटा, काटेलाल सिस्टर्स को तो जानता ही है ना तू, तो अपनी गरिमा सुशीला, उनको चाहिए तेरी शॉप। इसे और कोई सैतानी ना सूझी तो डेस्परेट होके हमारी दुकान में आग लगाती। यो आग हमने ही बुझाई है, यो रहा प्रूफ। इंस्पेक्टर अग्नि, फोन स्पीकर मोड पे डालो, मैं बात करूंगी। इतना ज्यादा हो रहा है ना, आपको शोभा ना देता है ये चोर और चक्कों का मुंह लगाना। तो मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे यार, डील करते हुए कोई ऐसे वर्ड यूज करता है क्या? इतना तो मुझे भी पता है। उसे बोलो कि हमें शॉप रेंट पे दे देने में उसी का ही फायदा है ना। आपको क्या करना, उसका फायदा हो ना हो, आप अपना काम करो ना। ये तो बता दूं कि प्लान क्या है। मैं इस वक्त फोन पे आपको पूरा प्लान समझाऊं, मैं जितना बोल रही हूँ ना उतना करो प्लीज। मैं तो इस बात पर कष्ट खा रहा हूँ, तुम लोगों ने ये बात सोची है? इस को सेट करके तुम यो तो ना समझ रहे हो कि जो मैंने मनवाओगे वो मैं मान जाऊंगा और ऊंट की तरह हां जी करके गर्दन हिला दूंगा। तुम तो फोकस करो अपने पापा जी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तुम तो अपनी जगह तब तक बढ़ाओ जब तक जगह सेठ PhD चेड़ के अंदर है। बड़ी चर्बी आ गई है तन्ने, मेरे सामने मेरी गरिमा जी को अड़का रहे तू। ना तो यू चॉकलेट खा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तन्ने, क्योंकि जहां तक मैं गरिमा जी को जानता हूं ना, यो स्टोरी यहां खत्म ना होने वाली। ना सुनने की आदत ना है मेरी गरिमा जी को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.